हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों कुछ अलग टॉपिक पे, थोड़ा सा अलग है तो शायद आपके वो काम आ जाए, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो मैं कुछ काम कर रही थी गार्डन में दोस्तों, तो कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूं। अगर आपके प्लांट भी इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या काम कर रही थी और किस टॉपिक पे आप ये वीडियो होने वाला है आज का। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो में हम चलते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुछ प्लांट मेरे दोस्तों रेड सॉइल में लगे हुए थे, तो उनके वो प्लांट मेरे एक से डेढ़ साल दो साल के हो चुके हैं, तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे मैंने लगाया था वैसे के वैसे आज भी वैसे के वैसे हैं, जबकि मैंने अच्छे से खाद दिया है, जो भी खाद मैं दे सकती थी कि इस प्लांट में ये खाद चाहिए, इससे इसकी ऐसी ग्रोथ होगी, इस तरह से सारे ही खाद मैंने देख के देख लिए, उसकी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, जैसे कि तैसे ही रहा है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये गंधराज का है, तो आप देख सकते हो इसकी मैंने अभी रिपोर्टिंग कर दी है। तो यहाँ पर आप इसकी ग्रोथ देखिए, और ये इसको ना दो साल हो गए हैं मेरे प्लांट को। तो जब मैंने इसको ख़रीदा था तो लास्ट टाइम था बारिश का, तो उस टाइम पे फिर उसके इसको लेने के बाद ही विंटर आ गई, तो फिर मैंने सोचा तब इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब तब विंटर की वजह से इसमें ग्रोथ ना हो, तो स्प्रिंग सीजन भी आ गया दोस्तों, तो फिर भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई। इसके बाद बारिश भी आ गई, तब भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई, इसी ऐसे के ऐसे ही रहा। तो फिर मैंने आज इसको निकाल के देखा, तो ये लगा था रेड सॉइल में दोस्तों। तो इसका पॉट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसका पॉट चेंज कर दिया है, अब मैंने मिट्टी का पॉट दिया, इससे पहले सीमेंट के पॉट में लगा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉट में ये लगा हुआ था, सीमेंट का ये पॉट है, 12 इंच का पॉट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसी पॉट में ये सूरजमुखी सनफ्लावर कितने अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, और ये अपने आप से ग्रो हैं दोस्तों। लास्ट ईयर मैंने गार्डन में लगाए थे तो सीड इसके गिर गए थे, तो विंटर में अपने आप से ग्रो हो गए हैं। तो देखिए आप इसमें रेड सॉइल, उसको मैंने निकाल लिया खींच के बिल्कुल, ताकि ये प्लांट पे डिस्टर्ब ना हो, तो पूरी मिट्टी मैंने निकाली नहीं थी। तो यहीं पे देखिए आप, ये रेड सॉइल उसी की है ये। तो ये प्लांट को मैंने निकाल के देखा कि क्या दिक्कत है इसमें। तो अगला प्लांट दोस्तों ये टिकोमा का, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी, और ये भी इसी तरह से रेड सॉइल में लगा हुआ था, मैंने इसकी भी रिमूव नहीं करी थी रेड सॉइल, तो इसकी भी कोई भी ग्रोथ नहीं हुई दोस्तों, और ना ही इसने अच्छे से फ्लावरिंग भी करी थी। ये देखिए आप, सिर्फ इतना ही जब मैंने लिया था तो इतनी ही ब्रांच इसमें थी, और आज भी इतनी ब्रांच है, इसकी मैंने हल्की प्रूनिंग कर दी है, सिर्फ छोटी छोटी टहनियाँ मैंने इसमें कट कर दी हैं। तो ये भी रेड सॉइल में लगा हुआ था, तो इसको भी मैंने निकाल के देखा। तो अब मैं दूसरा प्लांट आपको, इसको मैंने कई दिन हो गए रिपोर्ट करे, तो दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पेंटास का, आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये प्लांट मैं बारिश के दिनों में, जब जुलाई में मैं इसको लाई थी दोस्तों, इसी जुलाई में, तो ये आप देख सकते हो ये भी रेड सॉइल में लगा हुआ था, तो उस टाइम पे भी मैंने इसको नहीं रिमूव किया था, कि मैंने सोचा बारिश में अच्छे से चल जाएगा, लेकिन ये भी ऐसे के ऐसे ही रहा। ये देखिए फ्लावरिंग ये थोड़ी थोड़ी करता रहा है, लेकिन जो फ्लावरिंग होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली, जबकि मैंने भी इसमें अच्छे से खाद वगैरह दी थी। तो ये देखिए आप, इस तरह से जो भी मेरा गंधराज का प्लांट था और मेरा टिकोमा का प्लांट, और अभी आप लैंटाना का देख लीजिए, इसका पेंटास का देख लीजिए, तो सभी की रूट्स में इसी तरह से ये गांठ बनी हुई थी, सभी की में रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं फैली थी दोस्तों, जितनी उसमें रूट्स मैं लाई थी उस टाइम पे होंगे ना, उतनी रूट्स उसमें थी। तो इस तरह की तीनों ही प्लांट पर इस तरह की गांठ बिल्कुल बनी हुई थी,
तो इसको हमें बिल्कुल रिमूव कर देना है दोस्तों। और अगर आप रेड सॉइल में लाए हो किसी प्लांट को, रेड सॉइल वाला, तो बिल्कुल उसको रिमूव करके लगाएं, नहीं तो आपके प्लांट की भी कंडीशन इसी तरह से रहेगी, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि मरता चला जाएगा आपका प्लांट। मेरे तो शुक्र है मेरे मरे नहीं हैं, अभी मेरे प्लांट जिंदा हैं, तो मैं उनको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लूँगी। अब अच्छे से खाद वगैरह, मिट्टी मैंने बिल्कुल उनकी चेंज कर दी है। तो इसकी भी देखिए मैंने सारी रिमूव कर दी है, तो इस पॉट में ये लगा हुआ था दोस्तों, तो इस तरह से इसमें गांठ बन जाती है, तो इससे क्या है ना प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। तो स्प्रिंग सीजन है दोस्तों, इस टाइम पे अगर आपका कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है साल भर से, तो एक डेढ़ साल से अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, इस तरह से बिल्कुल मुरझाया सा रहता है, बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं है उस पर, तो आप उस प्लांट को निकाल के देखिए, क्या पता वो भी रेड सॉइल में लगा हो, आपको पता नहीं हो, और प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है। तो इस तरह से ये सारी रूट्स पे ये गांठ बन जाती है दोस्तों, ये देखिए, इसको सबको मैं कट कर दूंगी। और दोनों प्लांट मेरे और भी हैं, उन गंदराज और टिकोमा का जो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो सबकी रूट्स मैंने इसी तरह से कट कर दी हैं, ये गांठ सारी मैंने निकाल दी हैं। तो अच्छे से इसमें फंजीसाइड लगाना है आपको, इसको वॉश करना है पानी में अच्छे से, और फिर इस पर पूरे पे फंजीसाइड आपको लगाना है दोस्तों। चाहे आप बोविस्टिन का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हो, ये बोविस्टिन का है मेरे पास, ये मैंने डब्बे में डाला हुआ है, तो या तो आप साफ का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का यूज़ करिए दोस्तों, आधा मग्गा पानी लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए एक चम्मच, तो उसमें इसको अच्छे से डिप करके वॉश कर लीजिए, फिर प्लांट को लगाना है। तो मिट्टी में भी हमें एक भाग मिट्टी, एक भाग खाद और एक भाग रिवर सैंड, थोड़ा सा स्टोन डस्ट लेना है एक मुट्ठी हमें, जो कैल्शियम का काम करेगा, और एक चम्मच हमें फंजीसाइड डालना है, और एक मुट्ठी नीम खली हमें डालनी है। तो इस तरह का हमें मिक्सचर बनाना है, और खाद वगैरह जो, एक भाग खाद डाल लीजिए, एक भाग मिट्टी और एक भाग रिवर सैंड, और बाकी ये सब डाल लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। मैंने ये सभी करके इनको लगाया था, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ कुछ भी नहीं हुए। तो आप अपने प्लांट को इस टाइम पे चेक करिए दोस्तों, और अपने प्लांट को बचाएं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूं ज़रूर, क्योंकि मैंने आज ही मैंने गंदराज को निकाल के देखा, आज ही इसको देखा, और टिकोमा को मैंने कई दिन पहले निकाल के देखा, तो इसी तरह से सबकी कंडीशन रूट्स की इसी तरह से थी। तो मैं सबको हटा के मिट्टी को, इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी अब। तो दोस्तों आप भी अपने प्लांट को बचा सकते हो इस टाइम पे, मौसम सही है, प्लांट को निकाल के देख सकते हो, तो इस टाइम पे प्लांट की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है और आपको यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।